हाँ तो दोस्तों आज हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये मम्मी जी, और सच बताऊंगी मुझे तो इतना बुरा लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतने दिन बहुत बहुत मजे किए और पता भी नहीं चला इतनी जल्दी सारे दिन निकल गए। सच में मतलब रोज यहाँ जाना वहाँ जाना, रोज घूमना फिरना, तो बहुत एंजॉय किया सच बता रहे हैं। और मम्मी आप अब विदिशा कब आओगी? पापा से तो मैंने बोल ही दिया, पापा कह रहे हैं कि देखो जल्दी निकलेंगे हम लोग, लेकिन मम्मी और पापा आप दोनों आ जाओ, कब से नहीं आए हो आप लोग विदिशा तो आप लोग विदिशा आना, है ना। बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत ही टाइम हो गया, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने सालों से आए नहीं हो आप लोग। 5 साल तो हम लोगों को हुए थे, है ना, आप लोगों को बहुत साल हो गए। हाँ तो इस बार जरूर आना आप लोग, है ना। हाँ ये देखो मिट्टी की शैतानी चालू हो गई है और यहाँ हमारी सब पैकिंग हो गई है दोस्तों, है ना। और ये देखो मम्मी जी मिट्टी को पैसे दे रही है। हाँ रख लो, अभी ले लेंगे, पर्स में डाल दो। हमें क्यों दे रही है आप मम्मी? अरे राधिका उधर हैंगी, आ जा राधिका, दादी बुला रही है बेटा, आ जा बेटा बाहर, पानी की बोतल भर लो और नहीं तो फिर रास्ते में प्यास लगेगी। ये देखा गले लग जाओ दादी के, हैं चाहे दादी को याद आएगी, हैं। अरे नहीं जा, रो नहीं, रो नहीं, बिल्कुल नहीं रो। हाँ सच्ची कह रही, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा तो, लेकिन क्या करे, सामने तो है अब क्या कर सकते है ना। अच्छा नहीं रो नहीं दादी, ए मम्मी आप बिल्कुल भी नहीं रो नहीं मालू दीदी, नहीं बिल्कुल आएंगे मम्मी, बिल्कुल आएंगे। हमने पापा से भी बोला है आप लोग आना अब इस बार पक्के में, है ना। पापा कह रहे नहीं हम पक्का आएंगे, तो आप और दो इधर निकल आओ, है ना, ठीक है। बहुत टाइम मधु दीदी रो नहीं प्लीज यार, है ना, रो नहीं, रो नहीं, बिल्कुल नहीं रो। तो कह रहे थे अच्छा लगा। नहीं सही कह रहे, बहुत अच्छा लगा मधु दीदी, रो नहीं बिल्कुल भी नहीं, रोना नहीं है, अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे जाएंगे। तो कह रहे खुशी से अपने को अपने तरक्की कर लेंगे, नहीं को अपने पालो और अपने, हाँ नहीं सही, दुनिया है वक्त इधर। हाँ वो तो कैसे, हमने वीडियो देखो हमने की बात, कैसे कैसे आदमी, हाँ बोलते है ना, हाँ हमने वीडियो देखो मैंने की आदमी अगर पेट भर रहा हो अपना कुछ कर रहा हो तो आदमी तो बहुत चढ़ हो रही, वे तो बेचारी पूरी जिंदगी डरी बाकी अपने बच्चन के भरोसा जी रही, फिर भी आदमी ने, लेकिन जो है आदमी तो ध्यान ही नहीं कम, नहीं हम तो जो करते ना, हम तो किसी के बारे में बस, सोचते बस, बस, भी नहीं, हम तो बस जो भी मन में नहीं रखू, हम तो कहते तो मैं वो करने मेकअप करने खूब करूँ, तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है तो मैं मॉर्निंग कर है कोई आराम से तुम मैं नहीं लगाऊ, और जो भी करने तुम्हें दूसरी शादी हो गई जो के पहली ही मैं हो तुम तो दूसरी शादी का भी तो ये सब क्या कर सकते हैं, वो भी कछु नहीं, वो किस्मत है मम्मी, चलो भगवान से बड़ा कोई नहीं, हम तो भगवान ने कछु तो लिखो ही है, सही कह रही है। आज बच्चा छोटे हैं कल बड़े, बस ये दोनों हम तो इन्हीं दोनों को देख के जी रहे, सही बता रहे हैं, इन दोनों को देख के सांझ से कह दिए कहीं हो आई हो अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन हम पीताम्बरम आई जी वो हो रही है, लेकिन आप आना, उनसे कहे कि नहीं उनसे कहे कार से यार पाती है और पापा गाड़ी से, पापा कार में बैठ नहीं पाते, उल्टी होने लगती है पापा को, ऐसी जगह से बिठा दी हूँ किसी में भी झांसी उतर दी, झांसी रुका थे गाड़ी से उधर से अपने बलू वाले, उधर तो खूब 15-20 मिनट रुका, अरे उनका इतना मन करता आने ज्यादा है तो भोपाल से बैठा दी हूँ, भोपाल से सीधे बैठा दी उसने झांसी उतार ले, ऐसा कुछ करेंगे भोपाल में भी ज्यादा देर रुकत आराम से चढ़ जाए, और इधर झांसी पे उतार ले अपने गाड़ी से, दिन में सोसाइटी को भी परेशानी नहीं हुई है, बहुत अच्छा लगा इस बार बहुत है, तभी तो हम रुक गए नहीं, हम कहाँ रुक पाते हैं आप खुद बताओ, मतलब नहीं हम छुट्टी हो तुम घर है अपने आ जाओ, कोई बुलावे की जरूरत नहीं भैया तुम घर है सो आओ, उन्हें फिर हम तो इन दोनों में सोचते हैं इन दोनों के लिए कौन है, मौसी है दो ही और कोई है, सब है जो कह सोचती सब है बच्चन के नाम से, सोई तो महिला सब है कोई तुम्हें पीट नहीं दे है, नहीं, नहीं। तो सब है बच्चन को भी है और तुम्हें भी, तुम भी चिंता नहीं करो बिल्कुल, मस्त रहो अपना काम करो तुम जो तो, ना, तो, अब तो अपनी जिंदगी, अरे हम कह रहे कौन जिंदगी है, देखो संग कहो को पहले छूट जा को बाद में छूटा, संग सबके छूटा, लेकिन जो है जवानी में थोड़ी
चल जाती फिर तो जो है कि एक दूसरे को पैर आगे पीछे जाना ही है वाली सोचते ही है समझो शादी नहीं भाई मई नहीं और हम तो बच्चे दो बच्चे जिंदगी समय बचे जो दोनों अच्छी पढ़ बस बस अरे वैसे पढ़े लिखे के तुम्हारा नाम रोशन लड़की होती को लड़का होता उसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है क्योंकि वो मतलब बहुत ज्यादा उसको करती जैसे चाहे भाई दूज हो चाहे कुछ भी हो सबसे पहले उसको कॉल करेगी हाँ, क्या तो ये राखी और राखी सब वो आ जाए सब आ जाए भैया तुम्हारे ही है जाने तुम्हारे हुई है भैया हम तो बहना के बीच में एक है तो तुम हाँ सही कह रही है पूछ रहे हम कहते चल ठीक है राधिका तुम लोग बना के रखना जिंदगी भर के लिए है पूछेगा वो नहीं पूछेगा जो दोनों साइड से होता है यार मधु दीदी ध्यान रखना अपनी तबीयत का सब कुछ का है ना एक बार वो जाके झांसी देखा रात के देखा भी डॉक्टर दिखाया फिर से ठंड लग रही भैया इनकी तबीयत के मारे बहुत चिंता है बहुत चिंता है बहुत दुबली हो गई वो पहले से बहुत हालत गिर गई है उनकी एक बार और अच्छे से दिखा लो आप ट्रीटमेंट करा लो नहीं आराम लगे दीदी तो जाने हाँ तो देखो ना हालत गिरने कल से देख रहा हूँ उसकी हालत शरीर तो मम्मी आप आना भेज के तो चली जाओ तो मैं एक ही तो है और कौन है तुम लोगों को जावे जा सही कह रहा अब आना मम्मी हमने पापा से भी बोल दिया बिल्कुल निकलो भी जब आना है तो निकल आओगी आप सच नहीं हमने पापा बोल रहे आएंगे जी तैयार हो तैयार नहीं बिल्कुल तैयार है हमने कह दिया तुम्हारे देखो समझी है वो लोग इंतजार करते रहते सच हमसे पापा कह रहे थे कि इस बात बोल के आना कि आ जा नहीं हम सांझी सांझी को भी नहीं सुनी वही तो वही सुन रहे थे कह रहे थे बता कैसी दुनिया है कि अगर आदमी जी रहा तो वह जीन भी नहीं दे रहा है कह रहे कि वो आपकी विधवा हो तो आप क्यों मेकअप करती हूँ लिपस्टिक क्यों लगाती हूँ हमने की तो तुम्हारी मुड़ी में लठ दे है जो कोई अगर अच्छा बोली वाला आजकल जो बूढ़ी बूढ़ी हो रही है बे अपनो नहीं उतार रही कोई नहीं उतार रही अरे जो हमारे बगल में है बगल में मानिया 70-75 साल की आ रही मेरे को तो माने ना तो बिंदी उतार ना माने मांग में बंद करो बिछिया पेरा कह रही थी हमारा आदमी तो हमारे संग है हमें कुछ नहीं सामने कई हमने तो सबसे ये बोला कि ये बताओ 2017 में हम अलग हो गए थे तलाक हो गया 2022 में इनके पापा की पिछले साल ही खत्म हुआ है जाके बीच में हमारी दूसरी शादी भी हुई तो। दूसरी शादी चलो किस्मत से वह सब धोखो निकलो हमें क्या कर सकते हैं बताओ तो अब हम विधवा कहाँ से तलाक ही हुआ तो संबंध ही खत्म हमारा तो हम विधवा कहाँ से फिर भी देखो मम्मी ना आपने देखा हो ना मंगलसूत्र पहनते ना चूड़ी पहनते कि ठीक है यार अपना नहीं है मम्मी हाँ। बच्चों के पापा तो जब से हम वही सब मान के चल रहे हैं कि ठीक है यार हम कहीं ना सुहागलों में जाते नहीं जाते खुद से ही नहीं जाते हम मम्मी कहते चले जाते नहीं जाते हम क्योंकि खुद से ही कि ठीक है लेकिन दुनिया नहीं बख्शती ना बिल्कुल ये सब चीज नहीं जाओ अपने ऐसी खुशी से अपना काम करो चिंता बिल्कुल नहीं कहो की तुम सही बात सब हो गया मिस्ट्री को बड़ा मजा आ रहा है ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और है अच्छा ऐसा तो देखो हमें बुलबुल और ईशु दोनों जन छोड़ने आए हैं और ड्राइवर है साथ में है ना ये लोग सब अभी टिकट लिया हम लोगों ने बताओ हम लोगों की ट्रेन आने वाली है दोस्तों और बहुत बुरा लग रहा है सच में बहुत रोना आया घर में लेकिन ठीक है अब जाना तो है हमेशा के लिए थोड़ी कोई आता है दोस्तों मिस्टी को क्या हो रहा है रही है तो बहुत नींद आ रही है अच्छा ट्रेन में जाके फोन चलाऊंगी और सो जाऊंगी अच्छा आज थोड़ा सा जल्दी मम्मी को परेशान भी कर दूंगी थोड़ा सा मेरी सोन पापड़ी भी खा लूंगी मैं आदमी के ब्लॉग में देखने में सारी सोन पापड़ी खाई थी एक्चुअली आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ठंडा मौसम हो गया थोड़ा हाँ पिकनिक जैसा लग रहा है कि अच्छे पिकनिक मनाने चले जाओ कहीं पर ऐसा मौसम हो रहा है हाँ दतिया तो चलो दोस्तों बने रहना हमारे ब्लॉग में हम लोग गेम खेल रहे हैं क्या खेल रहे क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड
पजल्स खेल रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज्यादा दोस्तों। इतने दिन बाद मैं अपने घर आ चुकी हूँ और घर की हालत देखो, डस्ट ही डस्ट हो गई ऊपर वाले पोर्शन में क्योंकि मम्मी पापा तो नीचे, तो हमारा पूरा पोर्शन डस्ट हो गई 10-11 दिन अभी हम लोग अब आज तो बहुत थक गए, कल से सफाई में जुटेंगे। और सच बताए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतने दिन से रोज घूम रहे थे हम लोग, कल से सिंसियर वाला क्लास चालू हो जाएगा, सिंसियरिटी से सारा वर्क चालू हो जाएगा। और यहाँ देखो कितना, ये देखो कितना डस्ट हो गया है, ये देखो ये और डस्ट हो गया है, पड़ेंगे तो कल से सफाई में जुटेंगे, पूरा घर साफ करेंगे क्योंकि 11 दिन से बंद था, क्या पता छिपकली वगैरह भी ना आ गई हो, क्योंकि मुझे छिपकली मेरे उसमें ना आ गई हो, मेरा ढेर जमा है उस पे, पूरे पे मेरी स्टडी टेबल पे, क्राफ्ट टेबल में जमा नहीं पाई उस टाइम, सुबह जमा ले थी जब मैं तैयार हो गई थी। नहीं मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि यहाँ छिपकली की पॉटी पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है छिपकली का प्रवेश हुआ है इस घर में, जबकि मैं पूरी विंडो बंद करके गई थी, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ तो बेटा गिर गया होगा, हालांकि मैंने पता पूरी विंडो वगैरह सब बंद करके गई थी, लेकिन क्या करें हो जाती है ना डस्ट थोड़ी बहुत तो होती है। नहीं वो छिपकली आई है मुझे लग रहा है, छिपकली तो आई है दोस्तों पक्का। तो चलिए दोस्तों अभी तो हम बहुत थक गए हैं, अब हम करेंगे भोजन क्योंकि बहुत तेज वाला भूख लग रहा है। हम लोग ने ट्रेन में कुछ भी नहीं खाया, इतना रश था क्योंकि हमें रिजर्वेशन मिला नहीं था, हमने वहां जाकर ही टीसी से एक्स्ट्रा स्लिप बनवा के एक सीट ले ली थी, लेकिन बहुत रश था, हर कोई घुस रहा था स्लीपर में, इसलिए मैं प्रॉपर वहां पर वीडियो भी नहीं बना पाई दोस्तों। तो अभी तो बहुत थक चुके हैं सच में यार, एक तो एक अंकल था मेरे ऊपर गिर गया तो मुझे यहाँ पर ना लग गया, उसके उनके नाम वो आंखों में ना ऐसा जलन मचने लगी क्योंकि उनके जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये इस साइड में ये पूरा इधर ये उनके चक्का पैर में भी लग गया, गिर गया ऐसा। एक्चुअली वो जेंट्स जो थे ना वो ड्रिंक करे हुए थे और वो संभाल नहीं पाए और मिष्टी कॉर्नर पे बैठी थी, वो एक छोटा सा लड़का बैठा था और फिर उसके बगल में मिष्टी, दोनों के ऊपर गिरे तो मिष्टी को फेस पर लग गई, हालांकि मैं फिर बहुत चिल्लाई कि थोड़ा सा उनके साथ जो एक लेडी थी, लेकिन यार जो ड्रिंक करे रहते हैं उनका क्या है, ऐसे ही होते हैं मुझे मालूम है ना बहुत अच्छे से, तो क्या बोले लोगों से। तो चलो गाइज अब तो मैं यार ब्लॉग आज समाप्त करती हूँ, कल मिलूंगी आप लोगों से। ठंड हो रही है सीरियसली ठंड, कैसे अपन ने कपड़े रख दिए हम लोगों ने वैसे, एंड अभी मैं कपड़े चेंज करने वाली हूँ बिकॉज मैं शर्ट और जीन्स में तो खाना खाऊंगी नहीं, शर्ट जीन्स पहने हुए। और यहाँ पे हो रही है बहुत बारिश विदिशा में, यहाँ पे हो रही है बारिश दोस्तों और मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अभी हम लोग ब्लॉग बिल्कुल कम फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से।